सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। इन कुछ तस्वीरों के माध्यम से आज हम अपने तमाम दर्शकों तक सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने तमाम दर्शकों को बता दें, खासकर वो छात्र जो 12वीं में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट देख रहे हैं, सबसे पहले उनको बता दें कि आप रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं resultsresultsresults.cbse.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब सीधा खबर पर आते हैं। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया। कक्षा 12वीं के छात्र तुरंत इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमने पहले भी आपको उस वेबसाइट के बारे में बता दिया जिस पर 12वीं कक्षा के छात्र जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत लगभग 91.52 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.12% रहा। वहीं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कैप्शन भी देख रहे हैं, हमने लिखा है कि लड़कों से आगे रही लड़कियां, यानी सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हुआ। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। बहुत ही अहम खबर और अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियाँ पढ़ाई में आगे निकल रही हैं। और एक बार फिर से जो रिज़ल्ट आया है 13 मई 2024 को 12वीं सीबीएसई बोर्ड का, उसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों के मुकाबले 6.40% ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रमपुरम सबसे आगे है, यहां का पास रिज़ल्ट लगभग 99.91 है। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें देश के राज्य में सबसे आगे त्रिवेंद्रमपुरम है। और वहीं बात करें अगर दिल्ली वेस्ट की, तो वहां पर जो पास रिज़ल्ट है वो लगभग 95.64। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें कि दिल्ली वेस्ट का पास रिज़ल्ट सीबीएसई 12वीं बोर्ड का जो है वो रहा 95.64। और अगर बात करें दिल्ली ईस्ट की, तो वहाँ पर रिज़ल्ट रहा है 94.51। ये जानकारी हमें लगा कि बहुत अहम जानकारी है। अभी तक तमाम छात्रों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा, लेकिन जो जानकारी हमारे पास जुड़ी हुई थी वो अहम जानकारी यही थी कि 12वीं सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट है देश के किस राज्य में सबसे प्रथम रहा, तो वो हमने इसी वीडियो में बता दिया कि त्रिवेंद्रमपुरम सबसे आगे रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ उनके माता पिताओं को भी इस दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल इसी वीडियो के साथ आप हमें दें इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।